इंतजार खत्म। जो लोग ऋषभ पंत की बल्लेबाजी देखने के लिए आतुर थे, उनके लिए इंतजार खत्म होने वाला। ऋषभ पंत जल्द ही क्रिकेट फील्ड पे वापसी करेंगे, जल्द ही टीम का हिस्सा होंगे। इसके अलावा रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस को छोड़ सकते हैं। बड़ा हिंट मिल चुका है कि रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस को छोड़ के किसी और टीम को ज्वाइन करने वाले हैं। इसके अलावा बचे हुए जो 3 टेस्ट मैच है, थर्ड टेस्ट मैच, फोर्थ टेस्ट मैच और फिफ्थ टेस्ट मैच जो इंग्लैंड के खिलाफ खेला जाएगा। थर्ड टेस्ट मैच की बात करें 15 से 19 फरवरी के बीच में राजकोट में, 23 से 27 फरवरी के बीच में चौथा टेस्ट मैच खेला जाएगा ये रांची में, और 5वें टेस्ट मैच 7 से 11 मार्च के बीच में धर्मशाला में खेला जाएगा। इन 3 टेस्ट मैचों के लिए इंडियन टीम की जो स्क्वाड है जल्द अनाउंस होने वाली है, परंतु इन तीनों टेस्ट का भी विराट कोहली हिस्सा नहीं रह पाएंगे। ये बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है, विराट कोहली इन तीनों टेस्ट मैचों को मिस करने वाले हैं। ये इंडियन टीम को थोड़ा सा बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि सीरीज एक एक की बराबरी पे खड़ी है। विराट कोहली का वापस आना इंडिया के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता था, पर अब विराट कोहली ये तीनों टेस्ट मैच भी मिस करेंगे। अब यंग खिलाड़ियों के हाथ में है कि वो किस तरीके का परफॉर्मेंस करके क्या इंडिया को ये टेस्ट सीरीज जिता सकते हैं, क्योंकि इंग्लैंड को हल्के में लेना हमें भी भारी पड़ सकता है। तो क्या है पूरी खबर, इस पर नजर डालते हैं, क्या है तीनों खबरें। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। विराट कोहली इंडियन टीम की स्क्वाड अनाउंस हुई, फर्स्ट 2 टेस्ट मैच के लिए विराट कोहली का नाम वहां पे था। 21 तारीख को वो हैदराबाद पहुंचते भी है, क्योंकि हैदराबाद में फर्स्ट टेस्ट मैच था, इसके लिए हैदराबाद पहुंचे। पर 22 जनवरी को एक अनाउंसमेंट होती कि विराट कोहली पर्सनल रीजंस की वजह से पहले 2 टेस्ट मैच वो मिस करने वाले हैं, उनकी जगह रजत पाटीदार को टीम में सम्मिलित कर लिया जाता है। तो सब लोगों को यही उम्मीद थी कि यार चलो फर्स्ट टेस्ट मैच मिस कर रहे हैं, सेकंड टेस्ट मैच मिस कर रहे हैं, थर्ड टेस्ट मैच में वापसी कर सकते हैं। इंडिया फर्स्ट टेस्ट मैच हारी, पर सेकंड टेस्ट मैच में एक शानदार कमबैक देखने को मिला। जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग, यशस्वी जायसवाल का परफॉर्मेंस, शुभम गिल का शतक, इंडिया ने वो टेस्ट मैच जीत लिया और 1-1 की बराबरी पर टेस्ट सीरीज इस वक्त खड़ी है। अब अनाउंस होने वाली है बचे हुए 3 टेस्ट मैचों के लिए स्क्वाड की घोषणा, और सबसे बड़ा नाम चर्चा का विषय यही चल रहा है कि विराट कोहली क्या ये सीरीज खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, बचे हुए 3 टेस्ट मैचों का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे। तो इस पर रिसेंटली ESPN क्रिकेट पर जो ऑफिशियल एक वेबसाइट है, उन्होंने बताया कि विराट कोहली 3रा 4था टेस्ट मैच तो मोस्ट लाइकली मिस करने वाले हैं, हो सकता है कि 5वां टेस्ट भी मिस करके चले जाए। तो 3रा 4था और 5वां ये तीनों टेस्ट मैच मिस करेंगे। इससे पहले क्रिकबज ने रिपोर्ट किया था कि जसप्रीत बुमराह को 3rd टेस्ट मैच से रेस्ट दिया जा सकता है वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत, परंतु अब ESPN क्रिकेट पो ने कहा है कि जसप्रीत बुमराह 3rd टेस्ट मैच खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि विराट कोहली की वापसी नहीं हो रही है, तो जसप्रीत बुमराह जैसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी का टीम में रहना जरूरी है। इसके अलावा मोहम्मद सिराज भी कम बैक कर सकते हैं। के राहुल और रविंद्र जडेजा की इंजरी है ना, क्या वो 3rd टेस्ट मैच खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, उसके लिए जो BCCI के जो सिलेक्टर्स है, अजीत आगरकर की जो टीम है, वो वेट करेगी NCC में जो मेडिकल टीम है ना BCCI की, वो पूरी तरीके से क्लियरेंस दे दे कि रविंद्र जडेजा फिट है या नहीं है, के राहुल फिट है या नहीं है। परंतु ये बोला जा रहा है कि के राहुल तो वापसी कर लेंगे 3rd टेस्ट मैच से, रविंद्र जडेजा का मुश्किल हो सकता है कि पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज भी मिस करके चली जाए, तो ये बड़ी खबर होने वाली है। इसके अलावा श्रेयस अय्यर पे बड़ा कॉल लिया जाएगा, श्रेयस अय्यर हो सकता है कि मोस्ट लाइकली ड्रॉप हो जाए। दूसरी बड़ी खबर, ऋषभ पंत क्रिकेट फील्ड पे वापसी करने के लिए जा रहे हैं। रिसेंटली एक इंटरव्यू आया, उसमें रिकी पोंटिंग ने कहा कि ऋषभ पंत पूरी तरीके से कॉम्पिटेंट है कि मैं IPL 2024 में खेलूंगा, घबराने की कोई बात नहीं, पूरा का पूरा IPL सीजन खेलूंगा, बात 1 मैच की 2 मैच की 3 मैच की नहीं है, पूरा का पूरा IPL सीजन खेलूंगा, पर एज ए इम्पैक्ट प्लेयर ही वो खेलेंगे। क्योंकि जो रिकी पोंटिंग ने कहा है कि ऋषभ पंत पूरी तरीके से तो कॉम्पिटेंट है IPL 2024 में खेलने के लिए, पूरे सीजन में खेलने के लिए, पर वो विकेट कीपिंग करना उनके लिए मुश्किल होगा, कप्तानी करना भी उनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि विकेट कीपिंग करने का मतलब ये नहीं है कि वो फील्ड कर पाएंगे, फील्ड भी नहीं कर पाएंगे, मतलब वो फील्डिंग नहीं कर पाएंगे, फील्डिंग नहीं कर पाएंगे इसका मतलब वो विकेट कीपिंग नहीं कर रहे हैं, विकेट कीपिंग नहीं कर रहे हैं इसका मतलब वो फील्डिंग नहीं कर रहे हैं, और फील्डिंग नहीं कर रहे हैं इसका मतलब वो कप्तानी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कप्तानी का मेन रोल तो आपकी फील्डिंग में ही रहता है। तो बताया रिकी पोंटिंग ने कि एज ए इम्पैक्ट प्लेयर, उनके जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया उससे लगता है कि एज ए इम्पैक्ट प्लेयर खेलेंगे। जैसे लास्ट ईयर हमने देखा था कि विराट कोहली ने कुछ मैचों में RCB की कप्तानी करी थी, फिफ्थ डुप्लेसिस आते थे, केवल बल्लेबाजी करते थे, वैसे ही ऋषभ पंत IPL 2024 में दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा होंगे, एज ए इम्पैक्ट प्लेयर खेलेंगे, केवल बल्लेबाजी करेंगे, कप्तानी हो सकता है कि फिर एक बार डेविड वॉर्नर से देखने को मिले, और विकेट कीपर के रूप में किसी और खिलाड़ी को खिलाना होगा, जैसे उन्होंने ट्रिस्टन स्टब्स को अपनी टीम में सम्मिलित कर लिया है, तो एक अच्छा नाम है, उससे वो विकेट कीपिंग करवा सकते हैं, तो ये अच्छी खबर है। परंतु इंडियन टीम में कब वापसी करेंगे ऋषभ पंत, ये बड़ी खबर है। अगर IPL 2024 पूरा खेल जाते हैं, और उसमें एक सवाल और है, IPL से पहले भी BCCI की जो मेडिकल टीम है ना, वो असिस्ट करेगी क्या, वो विकेट कीपिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर BCCI की मेडिकल टीम ने हरी झंडी दे दी तो विकेट कीपिंग कर सकते हैं। हाँ, अगर IPL 2024 में वो पूरे IPL में विकेट कीपिंग नहीं करते हैं, केवल एज ए बल्लेबाजी खेलते हैं, तो इसका मतलब थोड़ी तो उन्होंने फिटनेस गेन कर दी, एज ए बल्लेबाज वो थोड़ा सा रिदम अपने आप को हासिल करने की कोशिश करेंगे। फिर IPL 2024 जब खत्म हो जाएगा, उसके बाद में फिर BCCI की जो मेडिकल टीम है NCC में है, वो ऋषभ पंत को असिस्ट करेगी और बताएगी कि अब विकेट कीपिंग भी करना ऋषभ पंत चालू कर सकते हैं। तो मोस्ट लाइकली जो इंडियन टीम में वापसी है ना, वो बांग्लादेश के खिलाफ जो 2 मैचों की टेस्ट सीरीज इस साल सितंबर में होने वाली है, वहां से ऋषभ पंत इंडियन टीम में वापसी कर सकते हैं, और इंपॉर्टेंट भी होने
होने वाला है, क्योंकि उसके बाद में हमें 3 टेस्ट मैचों की सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ घर पे खेल लिए, वो इंपॉर्टेंट है वैसे तो, वो भी इंपॉर्टेंट है, पर तो उसके बाद में हमें ऑस्ट्रेलिया जाना है 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने अक्टूबर नवंबर के महीने में। वहाँ पर ऋषभ पंत का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि गाबा में घमंड ऋषभ पंत ने तोड़ा था और ऋषभ पंत हमारे लिए एक एक्सपेक्टर साबित हो सकते हैं, तो बांग्लादेश की सीरीज से इंडियन टीम में वापसी कर सकते हैं और आईपीएल 2024 में केवल वो एज ए बल्लेबाज खेलेगा। इसके अलावा रोहित शर्मा और मेन्नेस की पजा लेना, ये तो फंस चुकी है भाई साहब, क्योंकि रिसेंटली मार्क बाउचर आया, मार्क बाउचर ने बोला कि यार रोहित शर्मा को जो कप्तानी का हटाने का डिसीजन था, फिर हार्दिक पांडे को कप्तान बनाने का जो डिसीजन था, ये एक इमोशनल कॉल, फैंस इमोशनल ना हो, ये क्रिकेटिंग डिसीजंस लिया गया है, क्योंकि फ्रेंचाइजी को आगे का देखना पड़ता है। अब रोहित शर्मा में हम वो कप्तानी की ललक नहीं देख पा रहे हैं, रोहित शर्मा रन भी नहीं आ पा रहे उतने ज़्यादा, तो हम एक नई टीम ग्रूम करना चाहते हैं और ये हमारे लिए एक ट्रांजिशन फेज है, इसलिए हम हार्दिक पांडे को, हमारे पास फूका था कि हम हार्दिक पांडे को हमारे साथ वापस जोड़ सकते थे, तो इसलिए हमने हार्दिक पांडे को साथ जोड़ा, अब हार्दिक पांडे को कप्तान बनाया और उम्मीद यही करके चल रहा हूँ कि जो रोहित शर्मा होंगे एज ए प्लेयर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे आईपीएल 2024 में। ये मार्क बाउचर ने कहा, अब मार्क बाउचर ने ये स्टेटमेंट दिया, मार्क बाउचर के स्टेटमेंट के तुरंत बाद में ये सोशल मीडिया पे डाला मुंबई इंडियंस ने, इसके तुरंत बाद में ये बोल दिया, रितिका सचदे जो रोहित शर्मा की वाइफ है ना, उन्होंने कमेंट कहा कि इनमें काफ़ी चीज़ें ना, सो मेनी थिंग्स गोइंग टू रॉन्ग, तो उन्होंने बताया कि काफ़ी कुछ चीज़ें गलत चल रही है, उस कमेंट वो जो पोस्ट डाला जो मार्क बाउचर ने स्टेटमेंट दिया कि ये क्रिकेटिंग डिसीजन है, उस पर कमेंट किया रितिका सचदे ने, बोला कि काफ़ी कुछ चीज़ें ना गलत चल रही है, मतलब ये हिंट दे रहा है कि रोहित शर्मा और मुंबई इंडियंस में ठीक नहीं चल रहा है, मामला थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है। इसके अलावा बाद में रितिका सचदे ने एक स्टोरी शेयर करी, उस स्टोरी में कहा कि जुरासिक वर्ल्ड है ना अगले साल थिएटर में रिलीज होने जा रही है 2025 में, इसका मतलब ये है कि 2025 में रोहित शर्मा किसी और टीम से खेलेंगे, 2024 में नहीं खेल सकते दोस्तों, उसका एक रीज़न है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन है प्लेयर का, 2024 तो उन्हें मुंबई इंडियंस के लिए खेलना पड़ेगा, हाँ मुंबई इंडियंस अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हटाने के लिए राजी हो जाए, क्योंकि रोहित शर्मा राजी होने से कुछ नहीं होता, मुंबई इंडियंस भी बोले कि आप जा सकते हो आपकी इच्छा है वहाँ पे जाओ, तब रोहित शर्मा 2024 का आईपीएल भी किसी और टीम से खेल सकते हैं, ट्रेड विंडो अभी भी ओपन है, किसी और टीम में वो जा सकते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है, परंतु उसके लिए यही है कि मुंबई इंडियंस परमिशन दे, जो मुझे नहीं लगता कि मुंबई इंडियंस इस वक्त परमिशन देगी, क्योंकि जैसे ही रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाया, हार्दिक पांडे को कप्तान बनाया, मुंबई इंडियंस को काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ, कम से कम 20 लाख फॉलोअर्स भी उनके डाउन गए, ब्रांड वैल्यू में भी गिरावट आई, अब इस वक्त अगर रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस को छोड़ के चले जाते हैं ना, तो फिर मुंबई इंडियंस को काफ़ी बड़ा ब्रांड वैल्यू में नुकसान हो सकता है। इस साल तो रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस से ही खेलना पड़ेगा, पर अगले साल मुंबई इंडियंस उनको रिटेन नहीं करेगी, मुंबई इंडियंस उनको रिलीज कर देगी, अगले साल का जो ऑक्शन होगा ना उसके अंदर रोहित शर्मा उतरेंगे, फिर कई लोग आरसीबी में देखना चाहते हैं, कई लोग सीएसके में देखना चाहते हैं, इसके अलावा दिल्ली कैपिटल्स और जीटीए ने तो खासकर रोहित शर्मा को अप्रोच किया था कि कैसे ना कैसे अगर उनके उनको रोहित शर्मा मिल जाए तो वो रोहित शर्मा को कप्तान भी बना देते हैं। तो आईपीएल 2025 में दोस्तों दूसरी टीम से रोहित शर्मा खेलेंगे, पर आईपीएल 2024 में मुंबई इंडियंस से ही खेलते हुए नजर आएंगे। अब एज ए प्लेयर जब वो ग्राउंड पे उतरेंगे मुंबई इंडियंस से खेलने के लिए, तो उनकी मेंटल स्ट्रेंथ कैसी होगी ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, क्योंकि इतना अगर मसला चल रहा है, हार्दिक पांड्या वाला विवाद चल रहा है, तो काफ़ी कुछ चीज़ें रहने वाली है, ये सोचने वाली चीज़ें रहेगी। तो ये 3 बड़ी खबरें थी, विराट कोहली पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज मिस कर सकते हैं, ऋषभ पंत की आईपीएल से वापसी हो रही है, और रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस को छोड़ सकते हैं आईपीएल 2024 के बाद में। आईपीएल 2024 रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस से खेलेंगे, आईपीएल 2025 में वो किसी नई टीम का हिस्सा हो सकते हैं। ये रितिका सचदे ने अपने 2 पोस्ट से थोड़ा बहुत एक जो हिंट देने की बात है ना वो हिंट दे दिया। बाकी स्पोर्ट्स जगत की और अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।